यदि कल की सभा में शुक्राचार्य अपराधी सिद्ध हुए तो उनका पक्ष लेने का दंड तुम्हें भी मिलेगा शनि। जीवन भर तुम्हारी माता का मुख देखने नहीं दूंगा तुम्हें। जानता था मैं इंद्र कितनी भी कुटिल चाल चले तुम हम दैत्यों का ही साथ दोगे शनि। मैं ना आपके साथ हूं और ना देवताओं के, मैं केवल हूं तो न्याय के साथ, और वही कर रहा हूं तो करना चाहिए। अवसर दे रहा हूं। दारम, 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 दारम। तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है संज्ञा? मैं ठीक हूं देव। आप व्यथित दिख रहे हैं, कोई समस्या? एक ही तो समस्या है मेरे जीवन में, तुम्हारा पुत्र शनि। आज फिर से वो कार्य किया है जिससे मेरी दृष्टि झुके। दंड देने से पूर्व आरोपी को अधिकार है स्पष्टीकरण देने का, शुक्राचार्य को अपनी बात सिद्ध करने का एक अवसर मिलना ही चाहिए, और यही न्याय का सिद्धांत है। माता, उसे तो आपकी भी चिंता नहीं है, दैत्यों का साथ दे रहा है वो। ऐसा नहीं है, उसे मेरी सुरक्षा की चिंता है, बहुत चिंता है। उसी ने चक्रवात को समाप्त किया, तो फिर आप दोनों उसे दोषी क्यों समझ रहे हैं? परंतु चक्रवात आया भी तो वही ना, जहां तुम्हारा पुत्र उपस्थित था। जो भी उसके साथ हो, संकट उस पर आ ही जाता है। ऐसा नहीं है देव। ऐसा ही है संज्ञा, तुम्हारे पुत्र की चाल ही वक्र है। मेरी पुत्री अभी चक्रवात की चोट से उभरी नहीं है सूर्यदेव। मेरी पुत्री का मन अभी शांत नहीं है सूर्यदेव। संज्ञा के पति और उसके पुत्र होने के नाते आप दोनों को उसे विश्राम करने देना चाहिए, ना कि मानसिक संताप। उचित कहा देव। प्रणिपात, एक प्रश्न मेरे मन में है देव। कल तक आप मुझे अपनी पुत्री नहीं स्वीकार रहे थे, और आज इतनी चिंता? आप ही ने मुझे शनि को सब कुछ बता देने को कहा और फिर रोक लिया, ऐसा क्यों देव? क्योंकि शनि है वो, समय आने पर अपने आप वो सब जान जाएगा। शनि शनि, उसे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। क्या कुछ ऐसा है देव जो आप मुझसे छिपा रहे हैं? छिपा तो तुम रही हो छाया। Thank you.
ये घाव भरा नहीं अभी तक छाया। विचित्र घाव है देव, जब सूर्यदेव विकट होते हैं तो कम हो जाता है और उनके जाने के पश्चात पुनः बढ़ जाता है। ये चक्रवात की चोट नहीं है छाया, मेरी पुत्री ने प्राण प्रतिष्ठा रस से तुम्हें उत्पन्न किया, जो किसी भी वस्तु या जीव की छाया पर डालने से उसका आकार ले लेती है। परंतु आवश्यकता समाप्त हो जाने पर छाया से बने निर्माण को भी समाप्त हो जाना होता है। यही तुम्हारा भी प्रारब्ध है छाया। ये चिन्ह चक्रवात के चोट का नहीं है, बल्कि भविष्य में आने वाले आघात का संकेत है। संज्ञा ने तुम्हें रचा ताकि तप करने जा सके। जैसे जैसे उसका तप पूर्ण होता जाएगा, वैसे वैसे ये घाव बढ़ता जाएगा। जब संज्ञा तब पूर्ण करके लौटेगी तो मुझे विलुप्त हो जाना होगा। मुझे एक आज चाहिए देव। लक्ष्य की पूर्ति के पश्चात मुझे विलुप्त हो जाना है तो क्या है मेरा लक्ष्य महादेव? क्या एक माता का लक्ष्य केवल संतान को जन्म देना है? नहीं, जन्म देने के साथ साथ माता का कर्तव्य है अपनी संतान का लालन पालन करें। उसका अधिकार है कि अपनी संतान को युवा होते देखे, सफल होते देखे। और यदि ऐसा है तो मेरे जीवन का लक्ष्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। आप ऐसा नहीं कर सकते महादेव। मेरे जाने के पश्चात क्या होगा मेरे शनि का? उसे तो अपनी चिंता ही नहीं। उसे अपनी चिंता नहीं है माता। स्वास्थ्य कैसा है माता? मेरा स्वास्थ्य ठीक है पुत्र।
परंतु मैं रुष्ट हूं तुमसे। क्या मैंने कोई अपराध किया है माता? मेरा शनि कभी कोई अपराध कर ही नहीं सकता, किंतु देवताओं के झगड़े में तुम्हें पड़ने की क्या आवश्यकता है पुत्र? चक्रवात आया चला गया, मैं सुरक्षित हूं। अब भूल जाओ उस प्रकरण को। भूल जाता यदि उसने आप पर आक्रमण न किया होता। जिसने आपके प्राण लेने का प्रयास किया, मैं उसे दंड दिए बिना कैसे छोड़ सकता हूं माता? कितना सोचते हो मेरे विषय में पुत्र, कितना प्रेम करते हो मुझसे। कभी मुझे छोड़कर अपनी चिंता करना सीखो पुत्र। कभी सोचा है यदि मैं तुमसे दूर हो जाऊं तो क्या करोगे? ऐसा क्यों कहती हो माता? शनि को उसकी माता से कोई दूर नहीं कर सकता। स्वयं महादेव भी नहीं। परंतु पुत्र, कभी ना कभी तो माता पिता को अपनी संतान को छोड़कर जाना होता है ना पुत्र? और तब उन्हें अपना जीवन अकेले जीना होता है। इसीलिए मैं चाहती हूं कि तुम स्वयं के लिए जीना सीखो, स्वयं को संभालना सीखो पुत्र। असंभव। अपनी माता की छाया के बिना शनि का कोई अस्तित्व नहीं। दोबारा आपने ऐसा कहा तो मैं आपसे रुष्ट हो जाऊंगा। माता, आप मुझे लेकर व्यर्थ ही चिंता करते हैं। और इस समय आपको चिंता की नहीं, विश्राम की आवश्यकता है। विश्राम कीजिए, मैं थोड़ी देर में लौटता हूं। मेरा संकेत समझने को तैयार ही नहीं है। कैसे बताऊं कि उसका अपनी माता से दूर होने का समय निकट आ रहा है? मेरे जाने की बात सुनकर ही रुष्ट हो गया। जिस दिन मैं वास्तव में उसे छोड़कर गई, महादेव ही जाने क्या करेगा शनि। एक कण भी तुम पर गिरे ये मुझे स्वीकार नहीं। और अब तो कर्म फलदाता भी मेरी ओर है। तुम सदैव मेरे रहोगे, मेरे प्यारे सिंहासन। सिंहासन से बातें बन करके
मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए देवराज। देवराज इंद्र के दरबार में आपका स्वागत है सूर्यदेव। कहिए क्या सत्कार करूं? मैं यहां सत्कार पाने के लिए नहीं आया हूं, आमंत्रण देने आया हूं। आमंत्रण? हाँ, आमंत्रण। कल सूर्यलोक में एक सभा रखी गई है जिसमें निर्णय किया जाएगा कि शुक्राचार्य चक्रवात के आक्रमण के लिए उत्तरदायी है या नहीं, और यदि है तो उसी क्षण मैं शुक्राचार्य को भस्म कर दूंगा, और यदि शुक्राचार्य अपराधी सिद्ध नहीं हुए तो यह मेरा ही नहीं संपूर्ण देवताओं का अपमान होगा। इसका अर्थ यही होगा कि आपने मुझे मिथ्या सूचना दी कि शुक्राचार्य ने चक्रवात का आक्रमण करवाया था, इसलिए एक बार पुनः सोच लीजिए कि आपने मुझे सत्य ही बताया ना, क्योंकि अब यह विषय मेरे लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, और आशा करता हूं कि ये भी आपका कोई कुटिल खेल ना हो। निसंदेह ये कोई खेल नहीं है। मैं भला आपकी प्रतिष्ठा को दांव पर क्यों लगाऊंगा सूर्यदेव? शनि भी मुझसे यही पूछने आया था। उसे भी मैंने यही बताया, ये सारी योजना शुक्राचार्य की थी। शनि या? हाँ सूर्यदेव, आपका ही पुत्र है और आपकी ही भांति सोचता भी। अब आशा करता हूं कि शनि के विपरीत आप मुझ पर संदेह नहीं कर रहे होंगे, या फिर आपकी सोच भी आपके पुत्र जैसी ही है। शनि और मुझ में कोई समानता नहीं है, हटी है वो, और मुझे विश्वास है कल उसे अपने हट का दुष्परिणाम भुगतना होगा। कल सभा में आपकी प्रतीक्षा रहेगी। अवश्य सूर्यदेव। मेरे शस्त्रों से अधिक धार तो मेरे बुद्धि की है सूर्यदेव। बिना रक्त बहाए मेरे सारे कार्य सिद्ध हो जाते। अब शनि चाहे जो सोचे, सूर्यदेव उसकी शंका को अनुचित सिद्ध करेंगे। शुक्राचार्य अपराधी सिद्ध होगा। बड़े संकट में फंसने वाले हो तुम कर्म फल दाता। मित्र बहुत भूख लगी है, भोजन प्रारंभ करें। हाँ। क्या रहे हो शनि? लड्डू है, माता ने बनाया, बहुत ही स्वादिष्ट है, खाओ तुम्हें अच्छा लगेगा। और ये माता की बनाई गई खीर है, ये भी खाओ, सब खाओ शनि, खा लो शनि, क्योंकि ये इस भवन में तुम्हारा अंतिम भोजन। जो
क्योंकि तुमने पिता सूर्यदेव को जो चुनौती दी है उसके पश्चात तुम्हें उनके ताप से कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। तुम्हें कल की सभा के पश्चात सदा के लिए माता से दूर जाना होगा, उसी वन में जहां रहना तुम्हारा प्रारब्ध है। स्वादिष्ट है, स्मरण रखना, भविष्य में तुम्हें मुझे यही खिलाना है, क्योंकि मैं अपनी माता को छोड़कर बाहर से कहीं नहीं जाने वाला। इतना साहस? ये साहस नहीं, मूर्खता है शनि, मूर्खता, क्योंकि तुम नहीं जानते कि कल क्या होने वाला है। मुझे विश्वास है कि कल सभा में शुक्राचार्य अपराधी सिद्ध होंगे और तुम उनके अपराध में सहभागी सिद्ध होगे। आज माता के हाथ का बनाया खाकर प्रसन्न हो लो, क्योंकि कल तुम्हें उसी वन में लौटना है जहां से तुम आए थे। यम, क्या हो रही है? वही जो सत्य है माता, यदि कल की सभा में शुक्राचार्य अपराधी सिद्ध हुए तो उनका पक्ष लेने का दंड तुम्हें भी मिलेगा। शनि, जीवन भर तुम्हारी माता का मुख देखने नहीं दूंगा तुम्हें। आशा करता हूं कि कल तुम भोजन कक्ष में ना दिखो। शनि, क्या है ये सब पुत्र? क्यों किया तुमने ये? आवश्यकता क्या थी ये सब करने की? आवश्यकता थी माता। जिसने आपको ये खाब दिया उसे दंड देने की आवश्यकता थी। और रही बात मेरे आपसे दूर जाने की, तो विश्वास कीजिए संसार की कोई भी शक्ति मुझे आपसे दूर नहीं कर सकती, चाहे वो चक्रवात का अंधकार हो या सूर्य देव का तेज।